अर्चना, एविक्शन फेयर या अनफेयर, शिफ्ट राइट या रॉन्ग, चलिए इस पे बात करते हैं। प्लीज हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक, वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धनक की दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, लेट मी नो इन कमेंट्स कैश का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। एंड आज का बिग बॉस का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? आज के बिग बॉस के एपिसोड के बारे में आप लोगों का क्या रिव्यू है? करते हैं, हाँ, वीडियो शुरू करते हैं। अर्चना, आज जो है मेरी तबीयत भी कल की तरह बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए जो है इस वीडियो को जो है मैं शॉर्ट सी रखूंगी, क्विक एंड शॉर्ट सी रखूंगी एंड फन सी रखूंगी। और एक ही मेन टॉपिक है जो आज हुआ है, मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगी और कोई दूसरे टॉपिक पे बात नहीं करने वाली हूँ, ना आपके, ना क्या कहते हैं प्रियंका के बारे में, ना कुछ और। मैं सिर्फ आज की मेन टॉपिक पे बात करूंगी, वो है अर्चना एंड शिव। तो शिव जो है बहुत पहले से, यानी कि एक रात पहले से जो है प्लान कर रहा था कि उसको किस तरह से प्रोवोक करना है प्रियंका को, सॉरी अर्चना को, माय बैड, अर्चना को, अर्चना को, अर्चना को, उसे किस तरह से जो है अर्चना को तंग करना है, प्रोवोक करना है। उसने उसकी एक दुखती रख पर जो है पकड़ लिया कि यहाँ पे जो है इसको चिढ़ चढ़ती है, तो मैं यहीं पे जो है ना उसके जो है ना उसको छेड़ूंगा। तो वो तो प्लान कर ही रहा था। अब ये उसका गेम प्लान है। देखो, हर कोई जो है ना किसी को इस बिग बॉस के घर में जो है किसी ना किसी तरीके से प्रोवोक करता है। हाँ, आप किस चीज़ को लेके कर रहे हो, किस बात को लेके कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एंड डेफिनेटली शिव जो है ना जिस चीज़ को लेके वो उसको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा था वो गलत था, क्योंकि बिग बॉस ने बहुत बार जो है कहा है कि इस घर में आप रिलीजन पे या कास्ट पे या आप कहाँ से आए हो या आपका क्या काम है, इन सब चीज़ों पर जो है बात करना गलत है, मुनासिब नहीं है, आई थिंक अलाउ भी नहीं है, तो यू शुडन्ट बी डूइंग दैट। तो पहले तो अगर कहा जाए तो इस घर में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो है अर्चना ही है जो इन सब चीज़ों पे जो है ना लोगों के बात करती है, वो लोगों कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं, पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, औकात एंड दिस एंड दैट, अर्चना जो है बहुत ज्यादा जो है ये करती है। तो डेफिनेटली जब बिग बॉस ने जो है शिव को बुलाया और कन्फेशन में बुलाया था, तो उन्होंने, बिग बॉस ने जो है शिव को भी बहुत डांटा इस बारे में कि यू कैन नॉट से सच थिंग्स। वो कहते आ रहे हैं, वो कहते आ रहे हैं, वो कहते आ रहे हैं, हर सीजन में कहते हैं, हर 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 सीजन में कहते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू से सच थिंग्स, बट यू स्टिल डू इट। ओके, अब शिव ने तो प्रोवोक किया तो किया, उसका जो प्रोवोकेशन का जो मेरे ख्याल से प्लान, अब मैं उसको पर्सनली, मुझे प्रोवोकेशन नहीं पसंद है, पर उसका गेम प्लान है तो है, मुझे इस तरह की गेम प्लान डेफिनेटली नहीं पसंद है। लेकिन यहाँ पे जो है ना सारी गलती जो है शिव की नहीं थी। आप, अगर आपको कोई प्रोवोक कर रहा है तो आप उसके बाद कैसे रिएक्ट करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अब एक ने गलत किया तो आप उससे भी बड़ी गलती करके फिर आप उससे भी ज्यादा गलत हो जाते हो, और वही जो है अर्चना से हुआ। अर्चना ने जो है उसकी गर्दन पकड़ ली, चाहे वो उसने हल्की सी पकड़ी हो या यूं करके पकड़ी हो, लेकिन मैंने देखा एंड में, हाँ जो है ना ऐसे भी हो गए थे, ऐसा हो गया था जिसकी वजह से जो है उसको नाखून लगे। शिव ने भी कहा था कि देखो मेरे दर्द नहीं हो रहा, दर्द तो थोड़ी देर था वो तो चला गया, बात ये नहीं है, बात ये कि तुमने जो किया, तुमने जो, तुम्हारा जो एक्शन था ना वो गलत था। अब अगर, जैसे कि मैं अभी कह रही थी कि अगर शिव ने जो उसको प्रोवोक किया तो वो जो है उस उन चीजों को जो है डिफरेंटली हैंडल कर सकती थी, वो बिग बॉस से कंप्लेन कर सकती थी, वो उसको वापस वो कर सकती थी, वो वर्बल हो सकती थी, वो उसका जीना हराम कर देती, जैसे कि दूसरों का उसने कितनी बार किया है जीना हराम इस घर में, कितनी बार, क्या हर बार ही जो है वो दूसरों का जीना मुश्किल कर देती जिससे भी उसका बैर हो जाए। तो उसने जो है ना अपना आपा खो दिया और उसने जो है उस पर हाथ उठा दिया। अब जब हाथ उठा दिया तो उससे गलत और कुछ हो नहीं सकता, स्पेशली बिग बॉस के घर में जब हाथ उठ गया तो उससे गलत कुछ हो नहीं सकता। फिर पूरा घर, जैसे जो है ना, सिवाय प्रियंका के, सौंदर्या के, गौरी के, गौतम के, सिर्फ इन लोगों के जो है, बाकी सारा घर ना के खिलाफ था। सबकी निखर निखर के जो है बाहर आई है, सुंबुल की एक्टिंग बहुत अच्छे से बाहर आई है आज। सुंबुल ने तो ओहो हो वाह, क्या निखर के बाहर आई है सुंबुल की एक्टिंग भाई।
मैंने कल भी सुंबुल के बारे में कोई बात नहीं की थी, मैं आज भी उतनी बात नहीं करना चाहूंगी बिकॉज आई एम बैडली बैडली डिसअपॉइंटेड विद हर. तो मुझे उसके बारे में जो है अभी फिलहाल कोई बात करनी ही नहीं है. शी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ. शालिन की एक्टिंग बहुत अच्छे से बाहर आई है गुस्से वाली, और निमृत की एक्टिंग भी बहुत अच्छे से बाहर आई है, और टीना की एक्टिंग भी बहुत अच्छे से बाहर आई है. अगर यहाँ पे कोई जेन्युइन दिख रहा था तो वो है स्टैन एंड अब्दू. प्रियंका भी जो है काफी जेन्युइन लग रही थी मुझे तो. सौंदर्य और गौतम की भी बहुत एक्टिंग ही लग रही थी. अंकित भी जो है ना कहीं शायद थोड़ा बहुत जेन्युइन लगा, लेकिन प्रियंका बहुत अच्छा गई है आज. उसने जो है प्रियंका ने जिस तरह से उसे समझाया कि जैसे कि मैंने भी कहा कि अर्चना जो है बहुत कुछ डिफरेंटली कर सकती थी लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था. फिर जब बिग बॉस ने जो है कन्फेशन रूम में बुलाया शिव को डांटने के बाद या समझाने के बाद के हम हमेशा कहते हैं कि इस तरह की बातें या इस तरह से जो है आप चीज़ों को नहीं कहें नहीं बोलें, लेकिन आप फिर भी जो है उन्हीं सेंसिटिव टॉपिक्स पे जो है बोल देते हैं, वो डेफिनेटली शिव की गलती है. शिव वहाँ पे गलत है, प्रोवोकेशन के मामले में गलत. प्रोवोकेशन अगर वो किसी और तरीके से करता, किसी और चीज़ को लेके करता तो शायद वो सही हो जाता, क्योंकि ये गेम ही इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है. तो डेफिनेटली जिस टॉपिक को लेकर उसने प्रोवोक किया वो वहाँ पर बहुत डेफिनेटली गलत है. अगेन यहाँ पे फिर जो है बिग बॉस ने जो है अर्चना को एक मौका दिया कि आइए और आके शिव से बात करें, तो वहां पे भी जो है वो शिव से बात करने जब आई है उसको मनाने के बजाय, उसको सॉरी कहने के बजाय वो उससे जो है उसने कहा शालीन, उसने बाद में कहा शालीन से भी हुआ, उसने बाद में कहा गौरी से भी हुआ, उसने बाद में कहा कि एमसी स्टैन से और साजिद से भी हुआ. तो भाई साजिद ने अगर किया तो साजिद ने किसी को हाथ नहीं लगाया. शालीन से जब हुआ था तो शालीन जब गेम खेल रहा था वो खुद आगे आई थी. शालीन उसके पास बैग लेके गया नहीं था, वो शालीन के आगे आई थी और फिर उसने जब यानी कि बस बैग से हटाया था क्योंकि उसके हाथ में बैग था उसके लिए लगा, और उसके लिए भी उसको सजा मिली कि वो पूरा जो सीजन है कैप्टन नहीं बन सकता है और 2 वीक्स नॉमिनेटेड भी रहा था. और फिर उसके बाद उसने स्टैन का कहा था, तो स्टैन का जहाँ तक मुझे याद पड़ता है अभी तक उसका अगर कोई झगड़ा हुआ भी है तो लेकिन फिजिकल तब भी वो नहीं गया. और साजिद भी जो है मैंने कह दिया कि फिजिकल नहीं गया, तो वो इनका जो है एग्जांपल कैसे दे सकती. दूसरी बात ये कि जब उससे गलती हुई है तो प्लीज़ वो उसको एक्सेप्ट करके जो है हम्बली जो है उससे माफ़ी मांगती. लेकिन जब फैसला ले लिया गया, जब जो है कह दिया कि आप यू आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस, तो फिर उसके पास मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो. और उस पर भी कह रही है कि इन लोगों ने ऐसा किया तो उनको एक चांस मिल सकता है, तो उसको नहीं. भाई जिसने भी आज तक जिसने भी बिग बॉस के घर में जो है हाथ उठाया है उसको माफी नहीं मिली है सिवाय मुझे यहाँ पे कहते हुए हंसी आ रही है, बट सिवाय शुक्ला के, सिद्धार्थ शुक्ला के, और किसी को जो है माफी नहीं मिली है. एक आसिम और एक सिद्धार्थ शुक्ला, इन दोनों के अलावा जो है ना हाथ उठाने पे, पुश करने पे या फिजिकल होने पे किसी को माफी नहीं मिली है. इवन के आई थिंक पिछले सीजन में शमिता शेट्टी वाले सीजन में जो था आसिम रियाज का भाई, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसको भी जो है निकाला गया था इसी तरह फिजिकल होने पे, उसको है यानी कि कहा गया था, वार्निंग्स दी गई थी. कहने का मकसद यह है कि बहुत दूसरे तरीकों से जो है हैंडल किया जाता. अब यही जो है अगर लेट्स जस्ट सपोज कि अगर वहां पे जो है शिव अर्चना को माफ कर देता, लेट्स से कि चलो ठीक है, लेकिन फिर अगर अब इस सिचुएशन को थोड़ा रिवर्स करते हैं, यहीं पे अगर शिव होता और अर्चना होती तो अर्चना क्या करती, ये अब आप बताएं. क्योंकि जब अभी तो शालीन से जो है वो गेम में लगा था, वो भी गलती से लगा था, वो उसने ऐसे करके अटैक नहीं किया था उस पर, वो गेम में भागते हुए या चलते हुए लगा था, तब अर्चना ने इतना बड़ा बवाल कर दिया था. यहाँ पे तो उसने इंटेंशनली गर्दन पूरी पकड़ी है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली अर्चना का जो है घर से जाना जो है सही था, उसको जाना चाहिए था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी. और ये अगर और एक और चीज़ के अगर जो है उसे माफ़ कर दिया जाता या शाली या शिव कहता कि ठीक है मैं इसे एक और मौका देता हूँ, तो फिर और दूसरे घर वाले भी तो कहते हैं हमारा हाथ लग गया बिग बॉस एक मौका दे दे. तो जहाँ पे वो जो ये एक मौका होता ना अगर वहाँ उसको मिल जाता तो फिर बाकी के घर वालों का भी हाथ खुल जाता, जो कि वो एक स्ट्रिक्टनेस या एक
स्ट्रिक्ट होके एक चीज को फॉलो करना जरूरी था। अब क्या वो हार्मफुल था या नहीं था वो तो बात की बात है, लेकिन जब एक एक्शन है जो कि गलत है तो चाहे वो हार्मफुल हो या ना हो वो गलत है। सो शिव गलत जो है, शिव की डेफिनेटली उसका प्रोवोकेशन शायद गलत ना हो, लेकिन जो उसने जिस तरीके से या जिस चीज को लेके उसने जो प्रोवोक किया वो डेफिनेटली गलत था। और फिर उसके बाद अर्चना का रिएक्शन तो उससे भी ज्यादा गलत था। अब देखना यह है कि सलमान खान का जो है क्या कहना होगा इस बारे में, वो कल के एपिसोड में जो है क्या खुलासे करते हैं, क्या अर्चना वापस आएगी, क्या शिव को जो है बैश किया जाएगा, और अगर वो शिव को जो है बैश करते भी हैं या शिव को डांटते हैं सुनाते हैं तो डेफिनेटली वो गलत नहीं होंगे, सलमान खान बिल्कुल 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 सही करेंगे। मैं यहाँ पे जो है शिव मेरा फेवरेट नहीं है, मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे शिव की हिमायत करने नहीं बैठी हूँ, यहाँ पे जो मुझे सही लगा जो मैंने देखा मैंने उस हिसाब से बोला है। अगर कहने को आओ कि मेरा फेवरेट कौन है तो वो है अब्दू, लेकिन यहाँ पे जो मेरा फेवरेट नहीं भी होगा और अगर वो सही करेगा तो मैं उसको सही कहूँगी, और अगर मेरा फेवरेट हो के भी अगर वो कुछ गलत करेगा तो मैं उसको गलत कहूँगी। तो चलिए मुझे जो है कमेंट्स में आप बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मेरा जो है व्यू कैसा लगा और आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, डज इट मैचेस विद मी और नॉट। इस वीडियो को जो है यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोगों को मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द निकितिन एसएस टेस्ट एपिस जल्दी से पॉजिटिव पॉजिटिव एंड डू व्हाटएवर यू नो टू पॉजिटिव बिकॉज़ लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी टुगेदर।